सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कौन सी बैटरी हमें यूज़ करनी चाहिए, गारंटी या वारंटी वाली, जो भी है गारंटी वाली या वारंटी वाली, फुल सेल हाफ सेल आता है वो वाला, सारी चीज़ें इस वीडियो में क्लियर करूंगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिए, साइड में दिए बेल आइकन क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचती रहे। सो दोस्तों, बहुत सी बार क्या होता है, हम लोग बैटरी तो चेंज कर देते हैं लेकिन उसके बाद क्या हमें दिक्कत आने लग जाती है, या तो बैटरी बैकअप उसका कम होता है या फिर जो है कुछ टाइम बाद जो बिल्कुल कम चलने लग जाती है, जो बिल्कुल एक टाइम बाद जो है डेड हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, कौन सा बैटरी यूज़ करना चाहिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, कस्टमर की डिमांड के हिसाब से हमें चलना होता है। कस्टमर अगर आपको पे कर रहा है लोकल बैटरी का, अगर पे कर रहा है लोकल बैटरी ही उसमें लगाई है, जो आपने लगाई है कि कुछ टाइम बाद अगर वो डेड हो जाती है या फिर जो है जैसा कि मतलब कस्टमर जितना पैसा पे करेगा उसी हिसाब से उसको हमें जो है उसकी डिमांड के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। उसकी कितनी डिमांड है, अगर वो 500 रुपये पे कर रहा है तो उसको लोकल बैटरी लगानी है, अगर वो 800 रुपये पे कर रहा है तो हमें ओरिजिनल बैटरी लगानी है, वो भी फुल सेल। फुल सेल क्या होती है, गारंटी नॉन गारंटी क्या होती है और वारंटी क्या होती है, अब मैं आपको बता देता हूँ। वारंटी वो चीज़ होती है, वारंटी में क्या होता है, बैटरी रिपेयर हो जाती है, ठीक है। जैसे क्या होता है, बहुत सी बार की आईफोन के अंदर परसेंटेज चलता है, जैसे कि कितने परसेंटेज उसका बैटरी है, 72% बचा है या फिर जो 89% ऐसे कुछ होता है, तो उसमें बैटरी में उसको क्या होता है, अगर वारंटी में है तो उसका परसेंटेज बढ़ा दिया जाता है, और अगर उसी चीज़ वो गारंटी में होती है तो उसको पूरी बैटरी को चेंज कर देती है कंपनी, मतलब बैटरी आपको जो रिप्लेस करके देगी। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना, हमेशा जो भी बैटरी लो आपको गारंटी में लेनी है, चाहे आप कस्टमर हो या एज एक शॉपकीपर हो या फिर आपकी शॉप खुद की है या आप खुद ही एक टेक्नीशियन है, तो आपको हमेशा गारंटी वाली बैटरी लेनी है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो मतलब नहीं जानते हैं, अभी जो नए नए हैं, अगर आप लोग जानते हैं तो आप वीडियो अभी इसी जगह स्किप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए जो अभी नए हैं, जिनको अभी काफ़ी कुछ जानना बाकी है। सो गाइस, आपको ये ध्यान रखना, हमेशा वारंटी वाली बैटरी नहीं लेनी है, आपको गारंटी वाली बैटरी लेनी है, और बैटरी हो फुल सेल। फुल सेल का मतलब होता है जितने एमएच आपको बाहर लिखा हुआ उतने ही एमएच आपको अंदर मिले, मतलब कि ऐसा नहीं हो कि बाहर 3000 एमएच लिखा हुआ और जैसे बैटरी आप यूज़ करें तो 1-2 घंटे ही चलती हो, उसमें 1000 एमएच का सेल हो। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बैटरी जब आप उसको दबाओगे मोबाइल की बैटरी को तो आपको पता चल जाएगा, बैटरी अगर मतलब हल्की फुल्की होगी तो ऐसे ही दब जाएगी, वो खाली रहेगी अंदर से, ठीक है। और फुल सेल मतलब अंदर पूरी कॉइल भरी होगी, उसमें केवल गैस नहीं कॉइल भी भरी होगी। तो आप जैसे कि मतलब काफ़ी जियो की बैटरी भी आती है, बड़े इनबिल्ड मोबाइल की बैटरी आती है, इनबिल्ड मोबाइल की बैटरी आती है, तो अगर आप लोग बैटरी लेने जाए तो सबसे पहले ये चेक कर लें। और किसी भी कंपनी के मैं आपको प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बस जो बैटरी मुझे अच्छी लगती है, जिसका फुल सेल आता है और काफ़ी अच्छा बैकअप देती है, उसी के बारे में आपको बताऊँगा। तो आपको सबसे पहले ये चेक कर लेना है कि बैटरी थोड़ी वजन में हो, उसका वजन काफ़ी अच्छा होना चाहिए। एक लोकल बैटरी बिल्कुल थर्ड क्लास बैटरी होती है, जो वारंटी गारंटी वाली बैटरी होती है, उसको आप लोग चेक करना कि जो वारंटी गारंटी वाली बैटरी आएगी ना उसमें आपको वजन मिलेगा, और उसको आप जब प्रेस करेंगे बीच में से तो प्रेस नहीं होगी, मतलब बिल्कुल हार्ड रहेगी, फुल सेल उसको बोलते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब भी आप बैटरी लें तो गारंटी वारंटी लें और फुल सेल लें। फुल सेल से होता क्या है कि जितना एमएच लिखा है उतना ही एमएच मिलेगा। अब मेन चीज़ ये आ जाती है कि कौन सी कंपनी का हमें जो बैटरी यूज़ करना चाहिए। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि देखो, सब जगह ऑल इंडिया में मैं नहीं बता सकता कि कौन सी बैटरी कहाँ कहाँ अवेलेबल है, बस आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि बैटरी फुल सेल हो, जिसका एमएच प्रॉपर तरीके से वर्क करता हो, ऐसा नहीं हो कि बाहर कुछ लिखा हो और अंदर कुछ और हो। सही कि अगर कोई डब्बा आपको दे दे, वो दे दे कि इसके अंदर काफ़ी सारे नोट भरे हुए और अंदर आप खोल के देखें तो कचरा मिले, तो ऐसा आपको नहीं देखना, पहले आपको प्रेस करके देखना उस चीज़ को कि वाकई में इसमें कुछ चीज़ है या नहीं है। तो बैटरी को प्रेस करके देखना, उससे आपको पता चल जाएगा फुल सेल है या नहीं, और बैटरी कौन से ब्रांड का यूज़ करना चाहिए। तो अभी तक अगर आप लोग बैटरी कोई सी भी कंपनी का यूज़ कर रहे हैं तो मोबिला का यूज़ करने लग जाइए, मोबिला का बैटरी ऐसा है कभी कोई शिकायत नहीं आएगी। अगर शिकायत आती है तो आपके मोबाइल में ही कोई दिक्कत होगी, इसलिए शिकायत आती है। बाकी मुझे यूज़ करते हुए आज 3 साल हो चुका है, मैं जहाँ तक हो सकता है कस्टमर अगर मुझे अच्छा पैसा पे करता है तो मैं मोबिला की बैटरी ही यूज़ करता हूँ। मोबिला की बैटरी में आपको फुल सेल मिलता है और प्लस गारंटी वारंटी आपको प्रॉपर तरीके से मिलती है, गारंटी मिलती है, जिससे क्या होता है अगर कस्टमर को कल को कोई दिक्कत आती भी है उसमें बैटरी प्रॉपर तरीके से रिप्लेस हो जाती है, ना कि रिपेयर होती है। कुछ भी दिक्कत आती है, वैसे दिक्कत आती ही नहीं है, 99% दिक्कत नहीं आती है। मैं किसी कंपनी का प्रमोशन यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, बस जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं बता रहा हूँ। मोबिला की बैटरी यूज़ करनी है आपको, चाहे आप एज ए कस्टमर हैं या एज ए शॉपकीपर या दुकानदार खुद हैं, मोबिला की बैटरी यूज़ करिए। आप मोबिला की बैटरी यूज़ करने लग जाइए, अगर आपका बैटरी में मज़ा नहीं आया तो फिर आप लोग बताना कमेंट में। अगर आपके मतलब दिक्कत आ रही है बैकअप में, तो दिक्कत आपके मोबाइल की वजह से आ रही है, आप लोग शॉर्टिंग वगैरह चेक करिए, हाफ शॉर्टिंग वजह से जो है दिक्कत आती है। अब बहुत से लोग बोलेंगे मेरी बैटरी फुल जाती है, हो जाती है, तो आप लोग मोबाइल में शॉर्टिंग चेक करिए, उसके बाद बैटरी अगर फुलती है बैटरी तो कोई सा बैटरी आप लोग लगा लीजिए, हमेशा सब बैटरी उसमें फुलेगा। तो आप लोग एक बार शॉर्टिंग चेक कर लीजिए, शॉर्टिंग चेक करने के बाद पता चल जाएगा कि आखिर मोबाइल में दिक्कत है या बैटरी में। बैटरी ऐसे फुलती नहीं है कभी भी, या तो ओवर चार्ज होने के बाद फुलती है या फिर जो कोई शॉर्टिंग होने के बाद फुलती है। तो जहाँ तक मेरा कहना है मोबिला की बैटरी यूज़ करिए, एक नंबर बैटरी है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहेगी, चाहे इनबिल्ड यूज़ कर रहे हो या आउटसाइड यूज़ कर रहे हो, मतलब कि खुलने वाली बैटरी यूज़ कर रहे हो, तो भी आप लोग जो है
वो वाली यूज करिए मोबिला की। जब आप मोबिला की बैटरी और दूसरी बैटरी को कंपेयर करेंगे तो उसको प्रेस करके देखना या फिर जो वजन में करके देखना, आपको वही हैंड टू हैंड डिफरेंस नजर आ जाएगा उसमें। सो दोस्तों आज की जानकारी अच्छी लगी, और अगर आप लोगों ने अभी तक मोबिला की बैटरी यूज़ नहीं करी तो एक बार मोबिला की बैटरी जरूर यूज़ करें। और इसी प्रकार की नई नई जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज, ताकि इसी प्रकार की नई नई वीडियो आप लोगों तक पहुंच रहे। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।